नमस्कार नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां भारतीय बाल एकेडमी के कार्यकर्ताओं द्वारा गरीबों को कंबल बांटते हुए दिखे तथा ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े बांटते हुए दिखे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा भारतीय बाल एकेडमी के कार्यकर्ताओं ने। सारे प्रखंड के हाई स्कूल में प्रोग्राम होना था, लेकिन उससे सटे किसी कारणवश हाई स्कूल में कार्य हो रहा है। ठीक उनके बगल वाला प्रांगण में एक शिव मंदिर के पास हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आज यहाँ से 3-4 किलोमीटर से जो असहाय बुजुर्ग 70-80 साल से उम्र के बुजुर्ग जो ग्रिड लाठी के सहारे से चलने वाले अपंग ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुना गया। इनकी चयन करने में पप्पू जी का काफ़ी सहयोग रहा है और 3 दिन पहले से इनकी चयन तैयारी कर रहे हैं ये। आज सर देखा जाए कि कितने विकलांग लोग इसमें बैठे हुए हैं, जो किन्हीं का हाथ कटा हुआ है, किन्हीं के लाठी के सहारे से चल रहे हैं, और 80 से 90 साल के उम्र के वृद्ध लोग यहाँ आ चुके हुए हैं, जो किसी के सहारा से, जिनकी कोई बच्ची हो, परिवार हो, लोग के सहारा से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जब हम लोग अभी ठंडा का वस्त्र इन लोगों को देने के बाद सब लोग का रौनक अलग हो गया है, सब लोगों में खुशी प्रकट हो रहा है और चेहरे पर मुस्कान है। तो इस प्रकार भारतीय बाल एकेडमी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सराहनीय कदम उठाया गया, जहाँ लोगों को गर्म कपड़े और कंबल बांटे गए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।